अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा व्हाट इज़ एन ऑब्जेक्ट एंड क्लास इन जावा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम देख रहे हैं जावा लैंग्वेज को। जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है वो किस तरह प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करती है, कैसे कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट होते हैं और इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। एक क्लास जो है, जैसे मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ ह्यूमन क्लास का, ह्यूमन एक क्लास है और आबिद एक ऑब्जेक्ट है। इसी तरह ही एक कार एक क्लास है और मेरी जो कार है वैगन आर वो एक ऑब्जेक्ट है उस कार क्लास का। मेरे पास एक फ़ोन है तो फ़ोन एक या सेल फोन एक क्लास है और मेरा जो फ़ोन है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट एक क्लास का इंस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास बनाई जाती है। ऑब्जेक्ट इज़ बंडल्ड विद, दो चीज़ों की वजह से बन रहा होता है, दो चीज़ों की मजमुआ होता है ऑब्जेक्ट, और उसको बोलते हैं डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। आप कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लें, उसकी दो चीज़ें स्पेशल होंगी जिसकी वजह से उस ऑब्जेक्ट को, उस क्लास को क्रिएट किया गया होगा। नंबर वन, डाटा मेंबर्स जो कि उसकी उस एंटिटी की, उस ऑब्जेक्ट की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो डाटा मेंबर्स होती हैं, उन्हें क्लास वेरिएबल्स भी बोलते हैं। और बिहेवियर, फंक्शंस, मेथड, जैसे कि दूसरी चीज़ ये है, वो मेथड क्या हो सकता है, उस चीज़ का वर्ब, कोई चीज़ काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट करता क्या है, कार की स्पीड है, मोबाइल का ऑन होना है, ह्यूमन का चलना है, तो ये क्या होंगे, ये फंक्शंस होंगे। तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो बेस करता है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस के ऊपर। आप जावा के अंदर इस चीज़ को इस तरह देख सकते हैं। कुछ और बातें देखते हैं। फोर मेन कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग: ऑब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ये चार पिलर हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज आप सीख रहे हैं तो उसमें आपको इन चारों की बहुत ज़रूरत होगी। तो अगर आप जावा सीख लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी होगी पीएचपी की जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क्स हैं उनको सीखने में, पाइथन को सीखने में, सी शार्प को सीखने में। तो ऑब्स्ट्रैक्शन क्या है ये हमने आगे देखना है, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जिसको ये चारों कंसेप्ट सही आते हैं तो उसकी अच्छी खासी बेस स्ट्रांग हो जाएगी, उसको जावा कोर समझ आ जाएगी। अब हम ऑब्जेक्ट की एक दफ़ा फिर डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज अ बंडल ऑफ डाटा एंड इट्स बिहेवियर, ऑफन नोन एज अ मेथड। मतलब बिहेवियर को मेथड भी बोलते हैं जावा के अंदर। तो ये आपके सामने एक दिखाया है स्क्रीनशॉट। ऑब्जेक्ट इज अ इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, तो एक ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास से ही क्रिएट किया जाता है, या आप ये समझ लें कि क्लास क्रिएट की जाती है फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के लिए। ऑब्जेक्ट हैव टू करैक्टरिस्टिक्स, दे हैव स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट ऑफ डाटा मेम्बर्स को बोलते हैं, बिहेवियर फंक्शंस को बोलते हैं या मेथड्स को बोलते हैं। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक घर है, एक हाउस है और उसकी स्टेट कौन कौन सी होंगी, एड्रेस, कलर, एरिया। बिहेवियर क्या होगा, ओपन डोर, क्लोज डोर, तो ये चीज़ें इसके अंदर आएंगी। अब हम समझते हैं व्हाट इज़ अ क्लास, क्लास क्या होती है। क्लास इज़ अ ब्लू प्रिंट, क्लास इज़ अ स्केच ऑफ अ ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के लिए जो हम ढांचा बनाते हैं, एक स्केच बनाते हैं, उसको बोलते हैं क्लास। ए क्लास कैन बी कंसिडर एज अ ब्लू प्रिंट यूजिंग विच यू कैन क्रिएट एज मैनी ऑब्जेक्ट एज यू लाइक। तो एक क्लास से हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, मेरी कार, तेरी कार, किसी की कार। तो इस तरह एक कार क्लास बनाई तो उससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है। एनिमल एक क्लास है और उसके देखें कितने ऑब्जेक्ट्स हैं। इसी तरह ही हम बर्ड क्या बोलेंगे तो बर्ड के रिलेटेड बहुत सारे जो है वो बर्ड्स हो सकते हैं। तो एनिमल एक क्लास है, ये इसके ऑब्जेक्ट्स हैं, लाइन, एलिफेंट, जिराफ। तो इस तरह एक क्लास, ए ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। इंस्टेंस मतलब कोई चीज़ अक्कर होना। तो एक क्लास से हम एक चीज़ निकालते हैं तो वो ऑब्जेक्ट होता है। ये मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ए क्लास इज अ टेम्पलेट और अ ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट इज आर क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस और अ रिजल्ट ऑफ अ क्लास। तो इट मीन्स वी नीड अ क्लास टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ फिर मैं पहले बता चुका हूँ कि मुझे एक ऑब्जेक्ट चाहिए था या मैंने बनाना था, तो मैं उससे पहले क्या रीड्रा करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा।
तो ये एक उस चीज़ की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि आपको और ज़्यादा क्लियरली इमेज क्लियर हो। पब्लिक क्लास हाउस, उसके अंदर 3 डाटा मेंबर्स हैं, ये कोडिंग होती है। इस तरह पहले आपने कंसेप्ट सीखा, अब आप कोड देख रहे हैं। पब्लिक क्लास हाउस, इसी चीज़ को आप जाके नेटबीन में लिख सकते हैं। स्ट्रिंग एक डाटा टाइप है, एड्रेस एक वेरिएबल है, या आप इसको स्टेट बोल सकते हैं, डाटा मेंबर बोल सकते हैं। स्ट्रिंग कलर, कलर जो है इसका नाम सी भी रख सकते हैं, सी ओ भी रख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये डाटा मेंबर है, ये इसकी डाटा टाइप है। डबल इज़ अ डाटा टाइप एंड द एरिया इज़ अ वेरिएबल, इज़ अ क्लास लेवल वेरिएबल। ये वाइड ओपन डोर, दिस वन इज़ अ मेथड, दिस वन इज़ अ फंक्शन, दिस वन इज़ अ बिहेवियर ऑफ अ हाउस क्लास। वाइड क्लोज डोर, दिस वन इज अगेन अ मैथड, यू कैन क्रिएट एज मैनी एज मैथड एज यू रिक्वायर्ड। तो वाइड क्लोज डोर, इसके अंदर हम यहाँ पे इसकी कर्ली ब्रेसिस के अंदर कोड लिखते हैं। ये देखते हैं जी, क्लास इन जावा, क्लास कैन हैव द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। क्लास हैव ए मॉडिफायर, क्लास हैव अ बॉडी, फील्ड, कंस्ट्रक्टर्स, मैथड, ब्लॉक, मेन मैथड। तो एक क्लास के अंदर मेन मैथड होता है जहाँ से प्रोग्राम ने चलना स्टार्ट होता है। मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, ये चीज़ें होती हैं। क्लास का नाम बहुत नेसेसरी है, क्लास का नाम का पहला लेटर कैपिटल रखें, फिर क्लास की कर्ली ब्रेसेस आएंगी तो उसकी उसके अंदर फिर क्या हो सकता है, फील्ड और कंस्ट्रक्टर और मैथड हो सकते हैं। तो उस बॉडी के अंदर जो है वो फील्ड, जिन्हें मैं डाटा मेंबर बोलता हूँ, जिन्हें मैं वेरिएबल्स बोलता हूँ। कंस्ट्रक्टर एक खास किस्म का फंक्शन होता है जो क्लास के अंदर बनाया जाता है। तो ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो कंस्ट्रक्टर के ऊपर होगी और उसकी टाइप्स के ऊपर। और मेथड फंक्शंस होते हैं जो जो वो क्लास या वो ऑब्जेक्ट रिएक्ट करेगा, बिहेव करेगा। नेक्स्ट ब्लॉक हो सकते हैं कि जिनमें हम कोड को डिवाइड कर सकते हैं। मेन मेथड वेयर वी नीड टू रन द प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है मेन मेथड से। तो दिस वन इज ऑल अबाउट ऑब्जेक्ट क्लास। मैंने कोशिश की समझाने की, अगर फिर भी कोई मसला हो तो नीचे कमेंट में पूछ लें, और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।